Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of advanced ordinary differential equation, now we are going to talk about stability of linear system. Stability से पहले हमें norm के बारे में थोड़ा सा जानना है. Mathematics में norm vector space जो है, ऐसी vector space को कहते हैं जिस पे कोई norm defined की जा सके. नॉर्म रियल वर्ल्ड में लेंथ की जनरलाइजेशन को कहा जाता है. नॉर्म जो है ये रियल वैल्यूड फंक्शन होता है जो किसी वेक्टर स्पेस पे डिफाइंड किया जाता है, जिसमें तीन प्रॉपर्टी जो फुलफिल हो रही है. पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास, क्योंकि आप नॉर्म डिफाइन करते हैं वेक्टर स्पेस पे, तो आपके पास जो भी अपने एलिमेंट लेने होते हैं वो वेक्टर होते हैं. तो पहली कंडीशन, सिर्फ और सिर्फ जो ज़ीरो वेक्टर है उसकी लेंथ ज़ीरो हो सकती है. उसके अलावा बाकी तमाम वेक्टर की लेंथ जो है वो पॉजिटिव होगी. और अगर आप किसी वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसकी लेंथ में चेंजिंग आती है, जबकि डायरेक्शन उसकी वही रहती है. और फिर इस पे जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो है ट्रायंगुलर इनक्वालिटी. मसलन अगर आप नॉर्म को एज अ डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं तो पॉइंट ए थ्रू बी और बी टू सी जो डिस्टेंस है, ये ऑलवेज जो डायरेक्ट डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू सी उससे ग्रेटर होगा, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन. द जनरलाइजेशन ऑफ दीज थ्री प्रॉपर्टीज टेंड्स टू द नोशन ऑफ नॉर्म. ऐसी वेक्टर स्पेस जिस पे कोई नॉर्म डिफाइंड हो, उसे आप नॉर्म्ड स्पेस या नॉर्म्ड वेक्टर स्पेस कहते हैं. नॉर्म वेक्टर स्पेस जो है ये स्टडी की जाती है लीनियर अलजब्रा में या फंक्शनल एनालिसिस में. आपको पता है कि आपके पास टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, ये सुपरसेट है. टोपोलॉजिकल स्पेस का जो सबसेट है वो होता है मीट्रिक स्पेस, और मीट्रिक स्पेस का सबसेट जो है वो नॉर्म स्पेस होता है. नॉर्म स्पेस जो है ये सुपरसेट होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस का. तो जब भी आपके पास कोई वेक्टर स्पेस होगी तो उस पे आप जो है वो इस तरह से एक नॉर्म डिफाइन कर सकते हैं. ये आपके पास आर एन वेक्टर स्पेस है, ये उस पे एक नॉर्म डिफाइंड है जो कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन है. और ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका हमने जिक्र किया है. ये फर्स्ट टू को मिला के, मसलन अगर किसी कोई वेक्टर जो है उसकी लेंथ ज़ीरो हो तो फिर इसी सूरत मुमकिन है कि वो वेक्टर जो है वो खुद ही ज़ीरो हो, वरना हर वेक्टर की लेंथ जो है वो पॉजिटिव रहेगी. इसी तरह से अगर किसी आप वेक्टर को किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसकी लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगी लेकिन डायरेक्शन वही रहेगी. और ये इसके लिए जो लास्ट प्रॉपर्टी है ट्राइंगुलर, कि अगर आप पॉइंट ए टू बी जाएँ और बी टू सी जाएँ तो ये जो डिस्टेंस है ये डायरेक्ट डिस्टेंस जो है ए टू सी उससे ऑलवेज बड़ा होगा. तीन किस्म की हम नॉर्म यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं. एक होगी अक्लेडियन नॉर्म, एक होगी ट्रैफिक नॉर्म और एक होगी मैक्सिमम नॉर्म. और उनकी एक एक एग्जांपल भी साथ काउंट करेंगे हम. मसलन ये देखें, ये हमने अक्लेडियन नॉर्म ले ली, इसको हम L2 नॉर्म लिखेंगे. इन जनरल जो है अगर आपके पास Rn वेक्टर स्पेस हो तो अक्लेडियन नॉर्म को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, यानी इसके जितने भी टप्पल्स हैं, n टप्पल्स हैं, उन टप्पल्स n टप्पल्स के स्केयर, उनका सम और स्केयर रूट होता है. और इसको अगर हम Rn को R2 तक रिड्यूस कर लें तो इसको हम इस तरह से लिख सकेंगे x1 square plus x2 square square root.
अगर आप इसको वन के इक्वल ले लें तो ये एक्स वन स्केयर प्लस एक्स टू स्केयर स्केयर रूट इक्वल टू वन, स्केयर करें तो एक्स वन स्केयर प्लस एक्स टू स्केयर इक्वल टू वन। इक्वेजन ऑफ सर्कल विद सेंटर एट ऑरिजन एंड रेडियस वन। तो उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ये ग्राफ है इस नॉर्म का, ये हमने यूक्लिडियन नॉर्म को लिया है। इसी तरह से अगर आप इसे आर थ्री तक रिड्यूस कर लें तो ये नॉर्म आपको मिलेगी एक्स वन स्केयर प्लस एक्स टू स्केयर प्लस एक्स थ्री स्केयर स्केयर रूट, वो थ्री डी में चली जाएगी। तो आप और आप उसको क्या कर लें, वन के इक्वल ले लें तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी वो एक्स वन स्केयर प्लस एक्स टू स्केयर प्लस एक्स थ्री स्केयर इक्वल टू वन मिलेगी। और उसको आप अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो आपको एक स्फीयर मिलेगा जिसका रेडियस जो है वो वन होगा। इसी तरह से ट्रैफिक नॉर्म, इसको हम एल वन से डिनोट करेंगे, जैसे हमने यूक्लिडियन को एल टू से किया इसी तरह से ट्रैफिक नॉर्म को एल वन से करेंगे। और इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, ये आपके पास वेक्टर स्पेस है जिस पे नॉर्म डिफाइन है, तो चूंकि इसके हर वेक्टर के एन कंपोनेंट होंगे तो अगर एक्स एक आर एन का एलिमेंट है तो फिर उसको हम इस तरह से ट्रैफिक नॉर्म के थ्रू हम इस तरह से डिफाइन करेंगे, उसके जितने भी कंपोनेंट हैं एन कंपोनेंट उन सब का मॉड और सम, एक्स वन मॉड प्लस एक्स टू मॉड प्लस एक्स थ्री मॉड एंड सो ऑन अप टू एक्स एन मॉड। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने यूक्लिडियन नॉर्म को रिड्यूस किया आर टू तक, इसको रिड्यूस करें तो ये आपको मिलेगी एक्स वन मॉड प्लस एक्स टू मॉड, और इसको अगर आप वन के इक्वल ले लें तो ये उसी तरह से एक्स वन मॉड प्लस एक्स टू मॉड इक्वल टू वन मिलेगी। और इसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो आपको इस टाइप की फिगर मिलेगी। एक्स वन को आपने हॉरिजेंटल एक्सिस पे, एक्स टू को वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया। अब देखें इक्वेजन आपके पास बनेगी एक्स वन मॉड प्लस एक्स टू मॉड इक्वल टू वन। तो आपको पता है अगर कोई पॉइंट हॉरिजेंटल एक्सिस पे हो तो वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो उसका ज़ीरो होता है। तो आप x2 को ज़ीरो ले लें तो आपके पास क्या रह जाएगी इक्वेशन x1 वन मॉड इक्वल टू वन, यानी x1 वन इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो ये प्लस वन, ये आपके पास माइनस वन आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप x1 को ज़ीरो ले लें, आपने पॉइंट जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे शो करने हैं तो x2 टू मॉड इक्वल टू वन आ जाएगा। एक्स टू आपके पास प्लस माइनस वन, तो ये प्लस वन और ये माइनस वन, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए एक्स वन मॉड प्लस एक्स टू मॉड इक्वल टू वन, इन दोनों के मॉड और सम जो है वो वन के इक्वल चाहिए। और वन के इक्वल कब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, या आपका एक्स टू जीरो हो जाए या आपका एक्स वन जीरो हो जाए फिर भी आपके पास वन आ सकता है, या ये है कि आपके पास ये दोनों पॉइंट फाइव आ जाए, एक्स वन भी पॉइंट फाइव हो प्लस माइनस पॉइंट फाइव, एक्स टू भी प्लस माइनस पॉइंट फाइव हो तो फिर भी आपको इन दोनों का सम वन मिल सकता है। इस तरह से भी हो सकता है कि एक आपके पास पॉइंट थ्री आ जाए, एक पॉइंट सेवन आ जाए, फिर भी आपको सम जो है वन मिलेगा। इस तरह से डिफरेंट जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन सब को आप कंसिडर करें तो आपको ये फिगर जो है ये मिलेगी। मसलन एक्स वन और एक्स टू दोनों जो हैं ये आपके पास पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव हो, तो ये 0.5 आपका x1, ये 0.5 होगा आपका x2, तो आपको एक पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, ऐसे आप जब डिफरेंट पॉइंट लेंगे तो आपको इस तरह से ये फिगर मिलेगी। और थर्ड नॉर्म है मैक्सिमम नॉर्म, जिसको हम l इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे। इसके लिए भी जो वेक्टर स्पेस है वो आपके पास Rn है, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। मैक्सिमम हमने लेना होगा इसका वो टपल एक्स आई मॉड में से, और आई जो है ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू वन बट लेस देन और इक्वल टू एन, यानी जो इसके एन टपल्स होंगे उन एन टपल्स में से जिसका भी मॉड ग्रेटर होगा सबसे मैक्सिमम होगा उसको आप कंसिडर कर लिया करेंगे। तो इसको भी हमने रिड्यूस किया आर टू तक, तो R2 तक जब रिड्यूस किया तो ये इस तरह से डिफाइन होगी x1 मॉड
एक्स टू मॉड, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसे हम पिक कर लेंगे। तो इसको भी मैंने क्या किया, वन के इक्वल लिया। जब वन के इक्वल लूँगा तो मुझे मिलेगा मैक्सिमम आई ग्रेटर दैन इक्वल टू वन लेस दैन इक्वल टू टू एक्स वन मॉड एक्स टू मॉड, मुझे इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो कंसिडर करना है। और इसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस टाइप की बनती है। मसलन आपके पास इक्वेशन है मैक्सिमम आई ग्रेटर दैन इक्वल टू वन लेस दैन इक्वल टू टू एक्स वन मॉड एक्स टू मॉड इक्वल टू वन। अब मैं कहता हूँ मेरे पास एक्स वन मॉड जो है ये ग्रेटर है एक्स टू मॉड से, तो मुझे ये पिक करना है एक्स वन मॉड। तो जिसको भी मैंने पिक करना है उसने किसके इक्वल आना है, वन के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये इक्वल वन के है, ये इक्वल है ना वन के, तो ये आगे किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो इसका मतलब ये सारा वन के इक्वल है। तो उनमें से मुझे मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ कि एक्स वन मॉड मेरे पास मैक्सिमम है, तो उसको मैं पिक कर लेता हूँ। तो मुझे मिलेगा एक्स वन इक्वल टू प्लस माइनस वन, यानी एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू वन का आपको पता है ये ग्राफ होता है इस तरह से, इनफाइनाइट ग्राफ होता है। एक्स आपका एक्स वन जो है वो आपका फिक्स है, जबकि एक्स टू आपका इंडिपेंडेंट है। जब आपके पास इक्वेशन होगी एक्स वन इक्वल टू वन, और जब एक्स वन इक्वल टू माइनस वन होगी तो फिर आपके पास ये ग्राफ होगा। इसी तरह से मैं कहता हूँ कि नहीं, क्योंकि दो ही मेरे पास एलिमेंट है, मैं कहता हूँ ये मैक्सिमम है ये नहीं है। तो ये जब मैक्सिमम है तो एक्स टू मॉड इक्वल टू वन आ जाएगा, यानी एक्स टू इक्वल टू प्लस माइनस वन। जब एक्स टू इक्वल टू वन मैं करूँगा तो मुझे ये ग्राफ मिलेगा जिसमें एक्स टू फिक्स होगा और एक्स वन इंडिपेंडेंट है। इसी तरह से जब मैं एक्स टू को माइनस वन लूँगा तो फिर मुझे ये ग्राफ मिलेगा। और इसको जब आप इनफाइनाइट लेंगे, इसको इनफाइनाइट लेंगे, इसको इनफाइनाइट लेंगे, इसको इनफाइनाइट लेंगे, तो इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे उनसे आपको ये एक स्केयर मिलेगा ऑफ लेंथ वन, यानी ओरिजिन से एक साइड की लेंथ जो है वो वन है, वैसे ओवरऑल जो है इसकी लेंथ टू है। ये मैक्सिमम नॉर्म, ये तीन नॉर्म हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। अब देखते हैं स्टेबिलिटी थ्योरम। स्टेबिलिटी थ्योरम ये है कि आपके पास ये एक वेक्टर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स प्राइम इक्वल टू ए एक्स, और इसमें ये जो ए है ये आपके पास एक कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स है, स्केयर मैट्रिक्स है एन बाई एन का, वो इसकी सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो कांस्टेंट है। तो इसकी मदद से हम कैसे जो है वो बताएंगे कि ये सिस्टम जो है ये स्टेबल है, ये सिस्टम अनस्टेबल है, या ये सिस्टम जो है ये ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। हमें करना ये होगा कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इस कांस्टेंट मैट्रिक्स के लिए इसकी आइगन वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। और आइगन वैल्यूज़ फाइंड करना वैसे ही आप सीख चुके हुए हैं। आइगन वैल्यूज़ जब मुझे मिल जाएंगी अब वो डिफरेंट टाइप की होंगी। अगर मेरे पास उनकी टाइप इस तरह से है, इफ़ ए हैज़ आइगन वैल्यूज़ विद पॉजिटिव रियल पार्ट देन ट्रिवियल सॉल्यूशन ऑफ वन इज़ अनस्टेबल ऑन दिस इंटरवल। कि अगर तमाम की तमाम आइगन वैल्यूज़ जो हैं उनके रियल पार्ट जो हैं वो पॉजिटिव हैं, हो सकता है वो मिलेंगे आपको सिर्फ और सिर्फ रियल, और आपको पता है कि रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर तो होता है, तो उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो फिर ज़ीरो आयोटा होगा। यहाँ पे आपने जो कंसिडरेशन करनी है वो कम्प्लेक्स आइगन वैल्यू के रिस्पेक्ट में करनी है, क्योंकि आपको पता है आपको रियल भी मिल सकती है और कम्प्लेक्स भी मिल सकती है। तो इन जनरल हम बात कर रहे हैं, इस वजह से हम कम्प्लेक्स लेंगे, क्योंकि सुपर सेट जो है वो कम्प्लेक्स नंबर का सेट होता है। अगर आपको जो आइगन वैल्यूज़ मिलें उन आइगन वैल्यूज़ के जो रियल पार्ट है वो पॉजिटिव हों तो फिर आपका ये सिस्टम जो है ये अनस्टेबल होगा। इसी तरह से अगर आपको जो आइगन वैल्यूज़ मिल रही हैं उनमें से कुछ ऐसी हैं जिनके रियल पार्ट जो हैं वो ज़ीरो हैं और वो हैं सिंपल, यानी जिनके मल्टीप्लिसिटी वन जिनको आप कह सकते हैं, यानी जिनके आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है उनका प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाए, वन आ जाए। जैसे एक माइनस आयोटा आ जाए, एक प्लस आयोटा आ जाए, दोनों में देख ले रियल पार्ट ज़ीरो है लेकिन माइनस आयोटा और प्लस आयोटा का प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा है, वन। तो फिर इन दोनों आइगन वैल्यूज़ को आप क्या कह सकते हैं, सिंपल।
कुछ आपको इस तरह से मिलें जिनके रियल पार्ट ज़ीरो हों और हों वो सिंपल, और कुछ आपको इस तरह की मिलें रिमेनिंग जो हैं जिनमें जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव हो, तो फिर इस सिस्टम को आप कहेंगे कि ये स्टेबल है। और अगर आपको सारी की सारी आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव रियल पार्ट के साथ मिलें तो फिर आप उसको ना तो स्टेबल कहेंगे ना अनस्टेबल कहेंगे, आप उसको कहेंगे ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। एग्जाम्पल देखते हैं, एक तो आपको ये सारी जो है ना क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ये हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर की एक्स प्राइम इक्वल टू ए एक्स, जिसमें ए जो है ये आपके पास ये एक कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स है 1 1 4 1, और इसके लिए मैं आइगन वैल्यूज़ इसकी डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये हमने पहले साल भी किया होगा। एक इसकी आइगन वैल्यू मुझे मिल रही है लैम्डा 1 इक्वल टू 3 और दूसरी मिल रही है लैम्डा 2 इक्वल टू -1। अभी हमने जिस थ्योरम की बात की है उसके मुताबिक अगर हम देखें तो इसमें एक आइगन वैल्यू जो है ये हमें पॉजिटिव रियल पार्ट के साथ मिल रही है, तो फिर हम क्या कह सकते हैं इस सिस्टम को, इधर से देखते हुए हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो है ये अनस्टेबल है, उस थ्योरम की जो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है। और अगर हम इसको मज़ीद प्रोसीड करें तो आप देख पाएंगे कि वाकया ही ये जो है अनस्टेबल है। ये दो आइगन वैल्यूज़ हैं, इनके लिए मैं आइगन वेक्टर फाइंड करता हूँ, तो दोनों के लिए मुझे ये आइगन वेक्टर मिलता है 1 -2। तो मैं क्या करूँगा, जनरल सॉल्यूशन लिख सकूँगा क्योंकि ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं। जनरल सॉल्यूशन मैं क्या लिखूँगा, C1 आइगन वेक्टर e की पावर 3t प्लस C2 आइगन वेक्टर और e की पावर -t। अब चूँकि C1 और C2 दोनों आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हैं तो ये ज़ीरो भी हो सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, जो आइगन वैल्यू नेगेटिव थी उसके लिए जो मैंने लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन लिखा है उसमें मैं जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैंने लिया हुआ है C1 या C2 उसको मैं ज़ीरो ले लेता हूँ। ये है ना e की पावर -t, इसके साथ मैंने लिखा हुआ है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C2, इसको मैं ज़ीरो ले लेता हूँ, तो मेरे पास सॉल्यूशन जो है वो रह जाएगा xt इक्वल टू C1 ये वैक्टर और e की पावर 3t। अब चूँकि मैंने स्टेबिलिटी देखनी होती है इंटरवल 0 to ∞ पे, अगर पूरे इंटरवल पे उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा हो तो फिर हम उसे स्टेबल कह सकते हैं, अदरवाइज अनस्टेबल। तो देखें मैं इसकी नॉर्म ले रहा हूँ, ये वेक्टर है ना मेरे पास, इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे एक वेक्टर ही मिलेगा, एक सिंगल कॉलम जो है वो मैट्रिक्स मिलेगा, तो उसको मैं वेक्टर ही कहता हूँ। नॉर्मली मैंने तो C1 चूँकि कॉन्स्टेंट है तो इसके लिए मुझे इसका मार लेना पड़ेगा, ये वेक्टर है तो इसके लिए मुझे नॉर्म, और ये है ही पॉजिटिव ई की पावर 3t होती ही पॉजिटिव है तो इसको ऐसे लिख लूँगा। अब मुझे क्या करना है, इस नॉर्म की लिमिट लेनी है टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो जब टी अप्रोचेस टू मैं इन्फिनिटी करता हूँ तो यहाँ देखें ई की पावर 3t है, तो इसको जब मैं टी को इन्फिनिटी से रिप्लेस करूँगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या है कि जब मैं टी बहुत बड़ा नंबर ले लूँ तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये जो आपके पास वेक्टर इक्वेशन है ये अनस्टेबल है, ठीक है। और इसको हम वैसे पहले थ्योरम की मदद से भी देख चुके हुए हैं कि एक आइगन वैल्यू जो है वो पॉजिटिव रियल पार्ट के साथ आ रही थी, ये लैम्डा 1 इक्वल टू 3, तो थ्योरम की मदद से भी हम इसे कह सकते हैं कि ये अनस्टेबल है। अब ये एक नोट है कि सॉल्यूशन इज़ स्टेबल ऑनली, सॉल्यूशन सिर्फ उस सूरत में स्टेबल होगा व्हेन नेगेटिव आइगन वैल्यू सब्सटीट्यूटेड एंड एक्स टी अप्रोच टू ज़ीरो एस टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। मसलन इस C1 को आप ज़ीरो ले लेते तो आपके पास बच जाता C2 और ये वेक्टर e की पावर -t। अब क्या करते फिर, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट लेते तो e की पावर -∞ इसको आप डिनोमिनेटर में लेके जाते तो e की पावर इन्फिनिटी, नामिनेटर में जो भी था उसको आप इन्फिनिटी पर डिवाइड करते तो आपको रिजल्ट क्या मिलता, ज़ीरो। तो जब ज़ीरो मिलता तो फिर आप कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन आपका स्टेबल है। कहता है सॉल्यूशन आपका स्टेबल उस सूरत में होगा कि जब आपके पास जो आइगन वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव आ रही हैं सारी की सारी, यानी नेगेटिव रियल पार्ट के साथ, यानी जब उनको आप क्या करें एक्स टी की लिमिट आप लें टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी,
तो आपको रिजल्ट क्या मिले, ज़ीरो मिले। तो तब आप कह पाएंगे कि ये सिस्टम जो है ये आपका स्टेबल सिस्टम है, जैसा कि थ्योरम में भी हमने देखा है उसकी जो सेकंड कंडीशन थी। अब एक और प्रॉब्लम लेते हैं। ये हमने एक प्रॉब्लम ली एक्स प्राइम इक्वल टू, ये 3x3 का एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इसके लिए हमें क्या करने हैं, आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इसकी ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हमें मिली, इससे आइगन वैल्यू आपको मिलेगी एक लैम्डा इक्वल टू 1 और दो जो है ये कम्प्लेक्स मिलेंगी। अब उसी थ्योरम को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि एक आपको आइगन वैल्यू ऐसी मिल गई है जो कि पॉजिटिव है, अभी पिछली एग्जांपल में भी हमने देखा एक नेगेटिव थी एक पॉजिटिव थी, एक भी पॉजिटिव आइगन वैल्यू आ जाए तो आपका सिस्टम स्टेबल नहीं हो सकता, तो ये सिस्टम भी क्या होगा फिर, ये भी अनस्टेबल होगा। ये आपके पास एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दो जो हैं इनके रियल पार्ट नेगेटिव थे, लेकिन इनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर सबके नेगेटिव होते तो फिर हमें ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल जो है वो स्टेबिलिटी मिलती, और अगर रियल पार्ट ज़ीरो होते कुछ के लेकिन वो आइगन वैल्यूज सिंपल होती यानी उनकी मल्टीप्लिसिटी 1 होती, और जो बाकी रह जाती जिनके रियल पार्ट जो है वो नॉन ज़ीरो हैं, तो फिर उनके रियल पार्ट्स का क्या होना ज़रूरी था, नेगेटिव। अगर वो नेगेटिव होते तो फिर हम कहते हैं कि ये स्टेबल है, और जब भी आपके पास एक भी आइगन वैल्यू ऐसी आ जाए पॉजिटिव रियल पार्ट के साथ तो आपका सिस्टम अनस्टेबल होगा, तो ये फिर ये सिस्टम अनस्टेबल है। ये एक और एग्जांपल हमने काउंट किया, इसमें ए जो है ये 2x2 मैट्रिक्स है, इसके लिए करैक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो आइगन वैल्यू आपको मिलेगी एक पॉजिटिव आयोटा और एक नेगेटिव आयोटा। अब देखें इन दोनों में रियल पार्ट जो है वो ज़ीरो है, इन दोनों की मल्टीप्लिसिटी भी 1 है, इसके अलावा इनके अलावा जो है ना वो तो आइगन वैल्यू है ही कोई नहीं, दो ही हैं, दोनों का रियल पार्ट जो है वो ज़ीरो है और मल्टीप्लिसिटी 1 है, यानी ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सिंपल हैं, सिंपल आइगन वैल्यूज़ हैं। तो जब सिंपल आइगन वैल्यूज़ हों तो फिर हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो है ये स्टेबल है, ये सिस्टम आपका स्टेबल होगा। ये एक और एग्जांपल हमने काउंट की यहाँ पे, 4x4 का एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है, इसके लिए करैक्टरिस्टिक इक्वेशन को पता है हम इस तरह से लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई, ये आपके पास एक फोर्थ ऑर्डर पॉलिनोमियल बनेगी इन लैम्डा, उसको जब सॉल्व किया तो आपको ये चार जो हैं ये आइगन वैल्यूज़ मिल रही हैं, चारों की चारों जो हैं ये देखें कम्प्लेक्स है, लेकिन चारों में जो रियल पार्ट हैं वो नेगेटिव है। मसलन ये अगर फर्स्ट देखी जाए तो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा, और फिर -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, इसी तरह से ये एक दफ़ा प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ, लेकिन इन चारों में देखें आपके पास जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है। तो जब तमाम में रियल पार्ट नेगेटिव हो तो उसे हम कहते हैं ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। उसके बाद नॉर्म जो है वो हम मैट्रिसेस पे भी डिफाइन करते हैं, मसलन अगर आपके पास जैसे हमने पीछे जो है वो लिया आर एन लिया वेक्टर स्पेस, इसी तरह से आपके पास वेक्टर स्पेस हो सकती है एम एन, यानी एक ऐसा सेट जिसके अंदर जो हैं मैट्रिक्स हों एन बाई एन के, उन पे आप क्या करें एक नॉर्म डिफाइन करें। तो उन पे जो नॉर्म डिफाइन करते हैं वो इस तरह से है, ये ठीक है, हमें इसकी तफसील में नहीं जाना कि वो किस तरह से डिफाइन करते हैं, क्योंकि वो तो आप लीनियर अलजेब्रा में या फंक्शनल एनालिसिस में पढ़ते रहते हैं, हमें जितना ही काम से गरज है सिर्फ उसी को डिस्कस करेंगे। अब मैट्रिक्स नॉर्म जो है, मैट्रिक्स नॉर्म के लिए भी हम क्या करते हैं, तीन नॉर्म जैसे हमने पीछे वेक्टर नॉर्म के लिए डिफाइन की वेक्टर स्पेस के लिए, उसी तरह से यहाँ भी हम देखते हैं ट्रैफिक नॉर्म को, मैक्सिमम नॉर्म को और यूक्लिडियन नॉर्म। तो मैट्रिक्स नॉर्म के लिए
जो ट्रैफिक नॉर्म होती है जिसको हम L1 नॉर्म कहते हैं वो इस तरह से डिफाइन की जाती है, मैक्सिमम जे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू एन सिग्मा I1 टू एन AIJ। ठीक है, इसी तरह से मैक्सिमम नॉर्म जो कि L इन्फिनिटी होती है उसको हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, एक देखें J ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू एन है और एक I ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू एन है। एक I के रिस्पेक्ट में एक J के रिस्पेक्ट में, यानी एक में आपने क्या करने होंगे, जो भी आपको कांस्टेंट मैट्रिक्स गिवन होगा उसमें आपने कॉलम कंसीडर करने होंगे और एक में आपने रो कंसीडर करनी है। अब किस में कॉलम और किस में रो करनी है, जो ट्रैफिक नॉर्म होगी उसमें आपने कॉलम कंसीडर करने हैं और जो मैक्सिमम नॉर्म है उसमें आपने रोज जो है वो कंसीडर करनी है। मसलन यहाँ देखें, या इसको आगे एग्जांपल में हम एक्सपेंड करते हैं फिर आपको वहाँ पर समझ आ जाए। और जो अक्लेडियन नॉर्म है मैट्रिक्स नॉर्म के लिए उसको इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि आपने वो जो आपको मैट्रिक्स गिवन होगा ए, उस मैट्रिक्स का आपने क्या करना है, ट्रांसपोज लेना है, फिर उसके ट्रांसपोज का आपने उसी मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट लेना है, वो जो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसके लिए आपने आइगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है और उन तमाम आइगन वैल्यूज़ में से जो ग्रेटेस्ट आइगन वैल्यू होगी उसका आप स्केयर रूट लेंगे तो आपको वो नॉर्म जो है वो मिलेगी। ये भी एग्जांपल में देखते हैं। ये हमने एक एग्जांपल काउंट की, ए जो है ये आपके पास एक कांस्टेंट मैट्रिक्स है 2x2 का। इसके लिए सबसे पहले हम ट्रैफिक नॉर्म ले रहे हैं। ट्रैफिक नॉर्म के बारे हम पीछे कह चुके हैं कि हम इस तरह से उसको डिफाइन करते हैं मैट्रिक्स नॉर्म में। तो अब देखें मुझे करना क्या है, मुझे जे को फिक्स करना है और आई को चेंज करते जाना है। जे को मैं 1 ले लेता हूँ यानी फर्स्ट कॉलम, तो आई को जब मैं 1 लूँगा तो मुझे मिलेगा A11 mod क्योंकि सम है, जब मैं आई को चेंज करूँगा तो प्लस A21 mod ये मिल गई। अब जे को मैं 2 लूँगा तो यानी सेकंड कॉलम, जे आपका फिक्स हो गया 2, आई को आपने चेंज करना है, एक दफ़ा आई को 1 रखेंगे तो A12 और दूसरी दफ़ा 2 रखेंगे तो A22 ये आपको मिल जाए। तो इसमें देखें ये हम बात कर रहे हैं ट्रैफिक नॉर्म की, तो ये जो हमने पहले दो एलिमेंट लिए A11 और A21 ये कौन से एलिमेंट है, ये दोनों फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम के हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रैफिक नॉर्म होती है उसको हम कॉलम वाइज जो है वो अप्लाई करते हैं। अब A11 देखें, A11 आपके पास 1 है, उसका मॉड भी आपको 1 मिला, प्लस A21 ये 2 है उसका मॉड भी 2, फिर A12 3, A22 4 और इन दोनों का सम 3 मिला, इन दोनों का सम 7 मिला। हमें तो लेनी है जो मैक्सिमम वैल्यू है, तो मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिली, 7। अब मैक्सिमम नॉर्म की बात करते हैं, उसको हमने इस तरह से डिफाइन किया हुआ है, यानी आई को आपने फिक्स करना है और आई डिनोट कर रहा है यहाँ पे इसमें AIJ में देखें आई डिनोट कर रहा है आपका रोज को, तो रो आपने अब फिक्स करनी है और कॉलम आपने चेंज करते जाना है। आई को 1 रखेंगे, आई आपका यानी फर्स्ट यहाँ पे जो इंडेक्स है सबस्क्रिप्ट जो है फर्स्ट वो फिक्स हो जाएगा 1 और सेकंड को आप चेंज करेंगे एक दफ़ा 1 एक दफ़ा 2 तो आपको मिलेगा A11 और A12। फिर आप आई को 2 रख लेंगे यानी फर्स्ट सबस्क्रिप्ट आपका फिक्स और सेकंड आपका चेंज होगा तो A21 और A22। तो इसमें देखें A11 और A12 ये किसको डिनोट कर रहे हैं, फर्स्ट रो के ये एलिमेंट है, A21 और A22 ये सेकंड रो के एलिमेंट है। तो A11 आपके पास 1 है, A12 आपके पास 3 है, A21 2 और A224 है, ये लिखे इनका सम किया और इनमें से मैक्सिमम एलिमेंट जो है वो 6 हमने पिक कर लिया। फिर अगर अक्लेडियन नॉर्म की बात करें जिसको हमने लिखा हुआ है कि ये आइगन वैल्यू जो है मैक्सिमम आइगन वैल्यू ATA की,
उसके स्केयर रूट के इक्वल होगी। तो ए हमारे पास ये है, ये हमने लिखा, इसका ट्रांसपोज लिया, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया, तो आपको ये मैट्रिक्स मिला। इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा की दो वैल्यूज फाइंड की तो आपको मिली एक 15 प्लस अंडर रूट 221 और एक 15 माइनस अंडर रूट 221। तो उसमें से हमें जो मैक्सिमम हम मिली 29.86 और मिनिमम जो है वो 0.14। हमें चूँकि मैक्सिमम से गरज है तो मैक्सिमम हमने ले ली 29.86, इसका स्केयर रूट लिया तो 5.46। इस तरह से आप क्या करेंगे, जब भी आपके पास कोई मैट्रिक्स गिवन होगा तो उसके लिए आप ये नॉर्म जो है ये फाइंड कर सकते हैं, मैट्रिक्स नॉर्म जो है। अब जो स्टेबिलिटी थ्योरम है जिसकी हमने बात की पहले, ये होमोजीनियस सिस्टम जो है कॉफिशेंट मैट्रिक्स के लिए, उस पे तो एप्लीकेबल है कि आप क्या करते हैं उसके लिए आइगन वैल्यूज़ फाइंड करते हैं और आइगन वैल्यू की नवाइत के हिसाब से आप बता देते हैं कि सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है या ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। लेकिन अगर आपके पास सिस्टम जो है वो इन जनरल इस टाइप का हो, एक्स प्राइम इक्वल टू ए टी एक्स, यानी इसमें क्या था सिस्टम में ए आपके पास एक कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स था, लेकिन अगर ए आपके पास एक फंक्शन मैट्रिक्स हो तो क्या वो थ्योरम एप्लीकेबल है या नहीं, ये हमने देखना है। ये हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर की, एक्स प्राइम इक्वल टू ए टी एक्स, और ए टी जो है वो हमने ये ले लिया एक मैट्रिक्स फंक्शन। अब इसका अगर आप सॉल्यूशन फाइंड करें तो आपको एक्स टी ये मिलता है, ठीक है। इसमें देखें, अगर फर्स्ट मेंबर इस मैट्रिक्स का ले लें तो उसमें ये देखें, ये e की पावर a माइनस वन कॉस टी है। अगर आप a को ग्रेटर देन वन ले लें तो आपके पास e का जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव होगा। मसलन a को आप टू ले लें तो ये बनेगा e कॉस ऑफ t। तो जब आप t गोज़ टू इन्फिनिटी लेंगे लिमिट जो है, तो आपको e की पावर इन्फिनिटी क्या मिलेगी, इन्फिनिटी। तो जब भी आपका a जो है वो ग्रेटर देन वन होगा, क्योंकि a जो है वो आपके पास रियल नंबर है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। अब रिस्ट्रिक्शन तो नहीं कि आप ग्रेटर देन वन नहीं ले सकते, ये तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो जब भी आपके पास a ग्रेटर देन वन होगा तो आपका ये सिस्टम जो है ये गोज़ टू इन्फिनिटी चला जाएगा, यानी अनस्टेबल होगा। और अगर इसी को आप उसी तरह से स्टेबिलिटी थ्योरम से देखें तो हमें क्या करना पड़ना है, इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। इस ए के लिए करैक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी, इस तरह से हम लिखते हैं, लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जीरो। फिर हमने ट्रेस लिया, ट्रेस होता है डायगोनल एलिमेंट का सम, और डिटर्मिनेंट इसका लिया 2/2 का, आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, वो लिया, तो आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली। इसको जब आपने लिखा तो आपके पास ये दो रूट मिले, एक लैम्डा वन इक्वल टू प्लस के साथ, लैम्डा टू आप कह सकते हैं माइनस के साथ। इसको अगर आप देखें तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि जब आपके पास ए जो है वो वन और टू के बिटवीन रहेगा तो यही जो आइगन वैल्यू है ये आपको कम्प्लेक्स मिलेगी। मसलन एक मैं ले लेता हूँ 1.5, यहाँ पर मैं सब्सिट्यूट करूँ तो मुझे इसका स्केयर मिलेगा 2.25, तो 4 - 2.25 ये क्या मिलेगा 1.75, -1.75, और -1.75 स्केयर रूट जो है वो मिलेगा आपको स्केयर रूट 1.75 अयोटा। तो इसी को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया हुआ है, अयोटा मैंने साथ लिख लिया और 4 - a² स्केयर रूट लिख लिया हुआ है इसी को, जब मेरे पास ये कंडीशन होगी कि a मेरा 1 और 2 के बिटवीन होगा। मसलन यहाँ पे आप दोबारा से वही सब्सिट्यूट करके देखें जो हमने यहाँ किया, 1.5 स्केयर 2.25, 4 - 2.25 1.75, अब आपको वो पॉजिटिव मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसको हमने चेंज करके लिखा और अयोटा हमने साथ लिख लिया हुआ है जो कि यहाँ नहीं था। तो अगर आपका ए इनके बिटवीन हो तो आइगन वैल्यूज़ आपको ये मिल रही हैं, कम्प्लेक्स आइगन वैल्यू हैं, और इनमें देखें रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव है इस इंटरवल पे, ये है ना रियल पार्ट, माइनस
टू माइनस ए बाई टू। अब ए जो है आप इस इंटरवल से कोई भी नंबर लें तो आपको जो रिजल्ट मिलना है वो नेगेटिव मिलना है। तो आपको पता है कि जब आइगन वैल्यू का रियल पार्ट नेगेटिव हो तो आप उसे क्या कहते हैं, ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। तो ये ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल हो गया इस इंटरवल पे जब ए आपका ग्रेटर देन वन हो। लेकिन इधर हमने बात की कि जब ए आपका ग्रेटर देन वन हो तो ये सिस्टम तो स्टेबल होते ही नहीं। इस वजह से इसमें क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई। तो हम क्या कह सकते हैं फिर इस एग्जाम्पल को मद्देनज़र रखते हुए कि अगर तो आपके पास जो ए है ये कॉफिशेंट मैट्रिक्स हो फिर तो स्टेबिलिटी थ्योरम एप्लीकेबल है। लेकिन अगर ये मैट्रिक्स फंक्शन हो तो फिर इस पे स्टेबिलिटी थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए वैसे हम एक नई जो है वो नॉर्म डिफाइन करते हैं, उसे कहते हैं लोजिंस्की मैयर। लेकिन उसको हम सिर्फ यहाँ पे कंसिडर करेंगे कॉफिशेंट मैट्रिक्स के लिए, मैट्रिक फंक्शन के लिए नहीं। वैसे स्टेबिलिटी जो है मैट्रिक्स फंक्शन की देखने के लिए ये जो लिखी हुई है लोजिंस्की मैयर, इसको अप्लाई किया जाता है। लेकिन ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो लोजिंस्की मैयर जो है इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, म्यू से इसे डिनोट किया जाता है और ये एम एन से आर, ये भी एक फंक्शन होता है जो कि मैट्रिक्स नॉर्म जो है मैट्रिक्स वेक्टर स्पेस से रियल नंबर पे डिफाइंड होता है और इस तरह से इसे लिखते हैं। अब अगर आपको ये जो लुजिंस्की मैयर हमने लिखा, लुजिंस्की मैयर किसी भी मैट्रिक्स का आपको नेगेटिव मिलता है तो उस वेक्टर इक्वेशन को जिसका आपने ए लिया हुआ है, जिसके लिए आपने लुजिंस्की मैयर फाइंड की है, उस सिस्टम को आप कह सकते हैं कि ये सिस्टम जो है ये ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। इसी तरह से लुजिंस्की मैयर के लिए जैसे हमने पीछे जो है वो तीनों नॉर्म जो डिफाइन की थी, यहाँ भी हम वो तीनों नॉर्म डिफाइन कर रहे हैं। फर्स्ट में हमने ले ली ट्रैफिक नॉर्म, लुजिंस्की मैयर के लिए इसे इस तरह से डिफाइन किया जाता है। मैक्सिमम नॉर्म के लिए इसे हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, ये वही है कॉलम वाइज और ये वही है के पास रो वाइज। और जो यूक्लिडियन नॉर्म है ये यहाँ पे होगी, यहाँ आपका मैट्रिक्स है ये चेंज है, वहाँ पे था ए टी ए, उसकी जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स है ए प्लस ए टी बाई टू, इसकी जो आपको मैक्सिमम आइगन वैल्यू मिलेगी वो आपके पास यूक्लिडियन नॉर्म होगी। इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। मसलन ये हमने एक कांस्टेंट मैट्रिक्स ले लिया, इसके लिए हम लुजिंस्की मैयर जो है यानी ट्रैफिक नॉर्म देख रहे हैं, इस तरह से हमने डिफाइन की थी। अब देखें ये कॉलम वाइज है, कॉलम वाइज कैसे कि आपने क्या करना है, जे को फिक्स रखना है और आई को चेंज करते जाना है, लेकिन कभी भी आई और जे आपका यहाँ पे सेम नहीं आना चाहिए। यानी मसलन ए वन वन ना आए, ए टू टू नहीं आ सकता, ए थ्री थ्री नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि वो यहाँ पे आ जाएगा। अब जे को आप वन रखें और आई को चेंज करते जाएं, तो जे को जब वन रखा तो ये चूंकि दोनों इसके सबस्क्रिप्ट जे जे हैं तो ये क्या बन जाएगा, ए वन वन, ठीक है प्लस। अब चूंकि ये टू बाई टू का मैट्रिक्स है तो आपको एक एंट्री और मिलनी है यहाँ, अगर थ्री बाई थ्री का होता तो फिर आपको दो एंट्री मिलती, वो भी देखते हैं आगे चल के। तो ये आपको मिला ए वन वन, अब जे को आपने वन लिया हुआ है, आई को आप वन नहीं ले सकते यहाँ पे, तो आई आपने वन से एन लेना है, तो आप यहाँ पे कहाँ से कहाँ ले सकते हैं, वन से टू सिर्फ। इसका मतलब क्या है कि आप आई को टू ले सकते हैं, तो अगला एलिमेंट आपको मिलेगा ए टू वन मॉड। फिर आप क्या करें, जे को टू रख लें तो अब ये मिलेगा आपको ए टू टू प्लस, अब आई को आप टू नहीं ले सकते, आई आप वन लेंगे तो ए वन टू। अब ए वन वन देखें ये टू है, ए टू वन जो भी है उसका मॉड आपने लिखना है, अगर वो नेगेटिव भी है तो आपने पॉजिटिव फॉर्म में लिखना है। ए टू वन, ए टू वन आपके पास नेगेटिव वन है तो इसको आप क्या करेंगे, पॉजिटिव करके लिखेंगे। फिर ए टू टू माइनस टू, ये इसी तरह से ही आएगा, इसका मॉड नहीं है,
माडा ए वन टू का, ए वन टू है आपके पास थ्री, इसको लिखा, इन दोनों को साल किया, ये थ्री मिला या आपको वन मिला, हमें मैक्सिमम से गरज है तो मैक्सिमम आपने पिक कर लिया थ्री। और अगर जैसे हमने पीछे डेफिनेशन में देखा, अगर लुजिंस्की मैयर किसी मैट्रिक्स की वो नेगेटिव आ जाए तो उसको हम कहते हैं उस सिस्टम को कि ये ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है, लेकिन ये चूंकि पॉजिटिव आ रही है इस वजह से ये ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल नहीं है। सिर्फ लुजिंस्की मैयर से हम ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल के बारे बता सकते हैं, ना हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं ना हम अनस्टेबिलिटी बता सकते हैं, तो इसके बारे हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसके बाद ये देखें, ये हमने मैक्सिमम नॉर्मली इसको हमने इस तरह से डिफाइन किया, इसमें आपने क्या करना होता है, रोज़ जो है उनको कंसिडर करना है। तो आई को आप फिक्स रख लें, वन कर लिया, तो यहाँ उसी तरह से आई और जे आपके सेम नहीं हो सकते, यानी जो मॉड के अंदर नंबर है वो सेम सबस्क्रिप्ट वाला नहीं आ सकता। इससे हम लिख लेंगे ए वन वन, और ये फिर क्या आएगा, ए वन टू, फिर आई को टू रखें तो ये ए टू टू, और ये आ जाएगा ए टू वन। उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे लिखी, मैक्सिमम हमें फाइव मिली। अक्लेडियन नॉर्म के लिए हमें वन बाई टू ए प्लस ए टी फाइंड करना है। ए हमारे पास है, इसका हमने ट्रांसपोज लिया, इन दोनों का सम और टू पे डिवाइड किया तो आपको ये मैट्रिक्स मिला। इसके लिए करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको ये मिली, तो लैम्डा की आपको दो वैल्यूज़ मिल गई, प्लस माइनस अंडर रूट फाइव। उसमें जो पॉजिटिव है वो ये है, नेगेटिव ये है, हमें मैक्सिमम से गरज है तो मैक्सिमम तो पॉजिटिव होती है, तो ये फिर म्यू टू ए मिल जाएगी हमें। एक और एग्जांपल, ये हमने एग्जांपल ली बताना है कि इसका जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है वो ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है या नहीं, तो वो कब होगा लुजिंस्की मैयर के लिए, जब वो नेगेटिव आ रहा होगा। तो ये फोर बाई फोर का मैट्रिक्स है, ये हमने इसे एक्सपेंड किया हुआ है। किसको एक्सपेंड कर रहे हैं हम, ट्रैफिक नॉर्म को। ट्रैफिक नॉर्म ये हमने ऊपर ये डेफिनेशन लिखी है कि किस तरह से इसे आपने एक्सपेंड करना है, क्योंकि इसे इस तरह से डिफाइन किया गया है। तो ट्रैफिक नॉर्म को आपको पता है कि इसको हम कॉलम वाइज लेते हैं, तो कॉलम वाइज आपने लिखना है। मसलन फर्स्ट में आप क्या करेंगे, जे को वन रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ए वन वन प्लस, उसके बाद आई और जे आपका सेम नहीं हो सकता, तो ए वन वन जो सेम है वो तो आपने लिख लिए, बाकी आपके पास क्या रह गया कॉलम वाइज, ए टू वन, ए थ्री वन, ए फोर वन। और ये चूंकि मॉड है और इन सब का सम है, जो भी सम आएगा उसको इसमें ऐड करना है वन वन में, तो इनकी जो जो वैल्यूज थी यहाँ से आपने देख लेनी है। फर्स्ट कॉलम में ए वन वन है माइनस थ्री पॉइंट थ्री, उसके बाद ए टू वन वन, ए थ्री वन माइनस वन पॉइंट टू, ए फोर वन माइनस वन, इनके मॉड लिए तो ये सारी पॉजिटिव मिली, ओवरऑल आपको क्या मिल रहा है माइनस जीरो पॉइंट वन। इसी तरह से अब आपने क्या करना है, जे को टू ले लेना है, तो फर्स्ट आपको एलिमेंट मिला ए टू टू, उसके बाद ये दोनों सबस्क्रिप्ट सेम नहीं हो सकते, टू टू नहीं आ सकते, यानी आपने जे को टू लिया है तो इसका मतलब क्या कि आपने सेकंड कॉलम की एंट्रीज लिखनी है सारी, तो ये हमने लिख ली ए टू टू, ए वन टू हो सकती है, ये जो है ये ए थ्री टू है, और ये ए फोर टू है, जो जो वैल्यूज़ हैं वो लिखी, तो ये आपको मिला माइनस ज़ीरो पॉइंट फाइव। उसके बाद जे को थ्री रखा, जे को फोर रखा, ये सारी फाइंड की, तो हमें चूँकि क्या चाहिए, हमें मैक्सिमम चाहिए इन सब में से, ये हमने फाइंड की तो हमें कितनी मिली, फोर, एक माइनस ज़ीरो पॉइंट वन, माइनस ज़ीरो पॉइंट फाइव, माइनस ज़ीरो पॉइंट फाइव, और माइनस ज़ीरो पॉइंट वन। तो ओवरऑल तो वैसे आपको दो ही वैल्यूज़ मिल रही है ना, माइनस ज़ीरो पॉइंट वन और माइनस ज़ीरो पॉइंट फाइव, क्योंकि ये रिपीट हो रही हैं, तो वो दोनों ये लिख लीं, इन दोनों में से हमें मैक्सिमम पिक करनी है, मैक्सिमम क्या है, माइनस ज़ीरो पॉइंट वन। अब म्यू वन ए हमें क्या मिला है, माइनस ज़ीरो पॉइंट वन, ये क्योंकि नेगेटिव है तो इस वजह से ये सिस्टम जो है ट्रैफिक नॉर्म के अंडर ये ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल है। और अगर इसे हम मैक्सिमम नॉर्म के अंडर देखें तो उसको आप उसी तरह से बाय डेफिनेशन एक्सपेंड कर लेना, तो देखना आपको जो वैल्यू मिलेगी मैक्सिमम वो 1.3 मिलेगी, जो कि पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव जब आपको वैल्यू मिले तो उसको आप ग्लोबली एसिम्प्टोटिकली स्टेबल
नहीं कह सकते। और थर्ड होता है अकलेडियन नॉर्म। अकलेडियन नॉर्म के लिए ये 4x4 का मैट्रिक्स है और इसके लिए आपको आइगन वैल्यूज़ फाइंड करना पड़ेंगी, वो काफ़ी जो लेंथी काम हो जाएगा। इस वजह से हम सिर्फ ट्रैफिक नॉर्म और मैक्सिमम नॉर्म को यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।